नमस्कार, मैं उदय। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भोपाल में 63 सालों से टीटी नगर दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होता आ रहा है, जिसमें राज्यपाल भी शिरकत करते हैं। लेकिन भोपाल में हुई बारिश ने दशहरा उत्सव की तैयारियों पर पानी फेर दिया है। भोपाल के से सबसे बड़े आयोजन के लिए मैदान में खड़े किए गए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले पानी से पूरी तरह गीले हो चुके हैं। विजयदशमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से भोपाल में मनाया जाएगा। और अगर बात कर ले 63वें वर्ष में आज हम खड़े हैं टीटी नगर में, जहाँ पे रावण दहन होगा। आप देख सकते हैं रावण दहन को लेकर स्थिति की अगर बात करूं तो रावण दहन को लेकर जहाँ पे जो रावण है उनके ऊपर बिल्कुल पन्नी लगाई गई है, लेकिन आधी अधूरी। अब रावण जल जाएंगे या कैसे जलेंगे ये तो देखने वाला बताएगा। और दूसरी बात अगर देखा जाए, व्यवस्था की बात करें, यहाँ पे राज्यपाल महोदय खुद आने वाले हैं। इस रावण दहन की एक खासियत रही है कि एक प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल यहाँ पे आते हैं और इस रावण दहन में शामिल होते हैं। यहाँ व्यवस्था की बात कर लूँ तो व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल निसार सी हो गई है, क्योंकि पानी की बात करें तो पानी के कारण पूरा ग्राउंड गीला हो गया है। लोगों को बैठने के लिए बड़ी परेशानियां होगी। यहाँ पे जो व्यवस्था है वो थोड़ी हमें और अच्छा चाक चौबंद करनी पड़ेगी अब, चूंकि जैसे जैसे समय समारोह शुरू होने का आता करीब आ रहा है, तो हम देखते हैं कि अभी वैकल्पिक कोई इंतजाम होगा। 1 लाख के आसपास पब्लिक इस कार्यक्रम में जुटती है, तो वो घास वगैरह तो वैसे ही ख़राब हो जानी है, तो इसको एक मैदान को मैदान सार्वजनिक कार्यक्रम के मैदान की तरह से ही बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमेशा से मांग रही है हमारी, ये चूंकि यहाँ पर दशहरा मैदान के नाम से ही ये जगह चिन्हित है और ये दशहरा मैदान के रूप में ही इसको सजाने संवारने के लिए स्मार्ट सिटी ने हमसे कहा था, तो हमारी ये अभी हम उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरह के इंतजाम दशहरा मैदान को लेकर आगे उनके किए गए हैं। अगर देखा जाए तो संगठन समिति का भी यही कहना है कि सरकार की तरफ से या नगर प्रशासन या नगरीय निगम द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। और देखना होगा क्या रावण दहन होता है या नहीं। चाहे हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मन की बुराई मारने का एक प्रण जो लिया है वो पूरा होगा या नहीं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगर, दिव्य भोपाल। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाएगा। आपको बता दें कि हालांकि कहीं ना कहीं पानी ने और बारिश ने थोड़ा सा विघ्न जरूर डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां की गई थी उसमें थोड़ा सा विघ्न जरूर उत्पन्न हो गया। हालांकि इस दौरान जो आयोजक है उनका यही कहना है कि व्यवस्थाएं जो है वो ठीक कर ली जाएंगी, ताकि लोगों को और जो वहां आने वाले VIP हैं और जो मेहमान हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो आज जलाए जाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, अगर बात की जाए तो बुराई पर अच्छाई के जीत का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान हम देखते हैं कि लोग भी जो हैं वो संकल्प लेते हैं कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे और अच्छाई की तरफ रुख करेंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, खासकर भोपाल में सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम बना है, तो थोड़ी कहीं ना कहीं बारिश ने खलल जरूर डाली है। जी सूखे होने चाहिए यदि पूरी तरह से उनका मजा लेना है, तो आप पीछे देखेंगे कि बारिश की वजह से देखिए किस तरह से इंतजाम किया गया है। कुछ रावण मेघनाथ के पुतले पर टेढ़ा भी हो गया है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी है। मैं ग्राउंड की स्थिति भी आपको बताता हूँ कि ग्राउंड भी आप देखेंगे कि ग्राउंड गीला हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए कीचड़ ही कीचड़ हो रही है, यहाँ पर लोगों को आने में काफी असुविधा होगी। और ये दशहरा मैदान है, भोपाल का टीटी नगर मैदान है, यहाँ पर राज्यपाल शिरकत करते हैं और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी कीचड़ हो चुकी है, पुतले भी पानी से नहा चुके हैं और इन्हें पन्नी से ढका गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि धूप निकल आई है, धूप निकलने की वजह से पुतले धीरे धीरे सूख रहे हैं और आयोजकों का ऐसा मानना है, आप देखिए कि
तैयारियां कर रहे हैं। आज आयोजकों का मानना है कि जब तक कार्यक्रम होगा तब तक पुतले काफी हद तक सूख चुके होंगे और दशहरा पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है जब पानी गिरा और पानी ने विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यक्रम हुए और धूमधाम से दशहरा मनाया गया। अभी हम प्रेमपुरा घाट भी गए थे जहां विसर्जन चल रहा था, लेकिन पानी के बीच भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ था और लोग भीगते हुए माता रानी को विसर्जित करने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये उत्सव धर्मी लोगों का देश है, यहाँ पर मौसमी बदलाव से लोग प्रभावित नहीं होते और उत्सव को पूरी धूमधाम से, पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। जी अतुल जी, अगर बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि दशहरा का त्यौहार जो है, पर्व जो है, देखने के लिए हम देखते हैं कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे, मतलब सभी लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंचते हैं। ऐसे में कीचड़ में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि त्यौहार के समय हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं त्यौहार को देखने के लिए, मनाने के लिए। ऐसे में प्रशासन किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेगा? नहीं, निश्चित रूप से पानी ने खलल तो डाला है, मैदानों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई है। जैसा कि मैंने आपको दृश्य बताया कि पूरा मैदान जो है वो कीचड़ से सन गया है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और पानी काफ़ी देर तक बरसता रहा, इसलिए व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ जरूर हुई हैं। कई जगह पर पुतले जो है पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं उनके ऊपर कागज़ का लेमिनेशन किया जाता है और पानी से वो कागज़ गल जाता है, उसे आग के हवाले करने में भी दिक्कत जाती है। तो निश्चित रूप से पानी ने थोड़ा विघ्न डाला है, कि पानी ने विघ्न डाला है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि थोड़ा भी वक्त है रावण दहन होने में होता है उसके आगे। जी अतुल जी, कह सकते हैं कि रावण दहन होने में भी वक्त हो सकता है, तब तक तो तैयारियां जो है वो पूर्ण कर लीजिए। अतुल जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां जगह जगह ग्राउंड में पानी भरने के चलते कीचड़ में तब्दील हो गया है ग्राउंड। हालांकि पानी गिरने के चलते जो रावण और जो मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं वो भी गीले हो गए हैं।